नमस्कार, कैसे हैं आप? आशा है आप स्वस्थ हैं तथा अपना ख्याल अच्छे से रख रहे हैं। आपने अक्सर अपने बड़े बुजुर्गों तथा अध्यापक को कहते सुना होगा कि प्राचीन समय में भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। ऐसा क्यों? क्योंकि भारत में धन धान्य और संसाधनों की कोई कमी ना थी। क्योंकि भारत एक अमीर देश था तो शुरू से ही विदेशी आक्रमणकारियों की नजर भारत पर रही। यही वजह थी कि समय समय पर विदेशी आक्रमणकारी भारत आए। ना केवल उन्होंने यहाँ पर लूटपाट की, बल्कि कुछ विदेशी आक्रमणकारी तो यहाँ पर ही रह गए और उन्होंने भारत पर एक लंबे समय तक राज भी किया। विदेशी आक्रमणकारियों के साथ साथ यूरोप के बहुत से देशों से व्यापारिक कंपनियां भी भारत आकर व्यापार करने को इच्छुक थी। यही वजह थी वह भारत आई और उन्होंने भारत में व्यापार भी किया। आज हम आपकी इतिहास की पाठ्य पुस्तक का दूसरा अध्याय करेंगे, जिसका नाम है व्यापार से साम्राज्य तक। हम देखेंगे कि किस प्रकार जो लोग व्यापारी बनकर भारत में आए थे, वह धीरे धीरे भारत के स्वामी बन बैठे। शुरुआत करते हैं औरंगजेब से, जो सबसे शक्तिशाली अंतिम मुगल शासक थे। उनके बाद जितने भी शासक आए, वह इतने शक्तिशाली नहीं हो पाए। दरअसल 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लग गए थे। जब औरंगजेब के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी पहली बार भारत आई, तो यहाँ के क्षेत्रों पर अधिकार जमाने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि वह धीरे धीरे इस विशाल देश के स्वामी बन बैठे? बहादुर शाह जफर मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक थे। अब आप कहेंगे कि अभी तो मैंने कहा था कि औरंगजेब मुगल साम्राज्य के अंतिम शक्तिशाली शासक थे। तो आपको बता दें कि औरंगजेब सबसे शक्तिशाली मुगल शासक थे, जबकि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक थे। इसका मतलब यह है कि औरंगजेब के बाद कोई भी मुगल शासक इतना ताकतवर नहीं हुआ, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुगल बादशाहों का महत्व बना हुआ था। 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जब विद्रोह हुआ था, तो विद्रोहियों ने मुगल शासक बहादुर शाह जफर को अपना नेता मान लिया था। भले ही वह नाम का शासक था, परंतु जब विद्रोह कुचला गया तो कंपनी ने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और उनके बेटे को जफर के सामने ही मार डाला। यह जो चित्र आप देख रहे हैं, यह कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह जफर और उनके बेटों की गिरफ्तारी का चित्र है। अब बात करते हैं पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना कैसे हुआ। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर हासिल किया था। इस चार्टर या इजाजत नामे के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया था। इसका अर्थ यह था कि इंग्लैंड की कोई भी व्यापारिक कंपनी इस इलाके में व्यापार नहीं कर सकती थी। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी, वहां से सस्ती कीमत पर चीजें लेकर उन्हें यूरोप के बाजारों में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। तो चार्टर का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी
से कोई भी और यूरोपीय कंपनी प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती थी, और प्रतिस्पर्धा ना होने पर वह चीजें सस्ती खरीदकर उन्हें ज्यादा दामों पर बेचकर फायदा ले सकती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी एक वाणिज्यिक कंपनी थी। वाणिज्य का क्या अर्थ है? वाणिज्यिक एक ऐसे व्यवसायिक उद्यम को कहते हैं जिसमें चीजों को सस्ते दाम पर खरीदकर फिर ज्यादा दाम पर बेचा जाता है और मुनाफा कमाया जाता है। लेकिन यह चार्टर दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूरब के बाजार में आने से तो नहीं रोक सकता था, तो फिर क्या हुआ? भारत में कई और व्यापारिक कंपनियों ने भी कदम रखा। यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा जो और लोग भारत में व्यापार करने आए वह थे डच, पुर्तगाली और फ्रांसीसी। सबसे पहले यहाँ पर पुर्तगाली आए। वास्को द गामा ने 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने का समुद्री मार्ग पता लगाया। इन सभी व्यापारिक कंपनियों का भारत में आने का एक ही उद्देश्य था, वह भारत में मिलने वाली चीजें जैसे कि बारीक सूत के कपड़े, रेशम, मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, इलायची सस्ते दामों पर खरीदें और फिर यूरोप के बाजारों में इन्हें महंगे दामों पर बेचें। क्योंकि यूरोप के बाजारों में भारत के सूती कपड़ों, रेशम और मसालों की बहुत मांग थी, अब व्यापारिक कंपनियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण भारतीय बाजार में इन सभी चीजों की कीमतें बढ़ने लगी और कंपनी का मुनाफा गिरने लगा। प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ती गई कि जब भी मौका मिलता वह एक दूसरे के जहाज डुबो देते या रास्ते में कोई रुकावट खड़ी कर देते ताकि माल से लदे जहाज आगे ना बढ़ पाए। इन वाणिज्यिक अर्थात व्यापारिक कंपनियों की आपसी लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी अंत में विजयी रही। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले बंगाल में व्यापार करना शुरू किया और पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। इस फैक्ट्री के बनने के बाद तीन चीजें हुई। सबसे पहले अंग्रेजों ने यहाँ पर किलेबंदी की। दूसरा, कंपनी ने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर तीन गांव की जमींदारी खरीद ली। इनमें से एक का नाम कालीकाता था जिसे आज हम कोलकाता के नाम से जानते हैं। और तीसरा, कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए राजी कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार का फरमान जारी कर दे। फरमान का अर्थ है एक शाही आदेश जिसका पालन सभी को करना होता था। अब औरंगजेब के फरमान से सिर्फ कंपनी को ही यह अधिकार मिला था कि वह व्यापार के लिए कोई शुल्क ना दे। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते थे उन्हें यह छूट नहीं थी। उन्हें बहुत बुरा लगा और उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। अब बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई और बंगाल के नवाब मुर्शीद कुली खान ने इसका विरोध किया। व्यापार से युद्ध तक 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का आपसी टकराव काफी बढ़ गया था। यह वह समय था जब औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी थी और बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे। यहाँ हम बंगाल के तीन शासकों की बात करेंगे जो काफी महत्वपूर्ण थे तथा शक्तिशाली थे, मुर्शीद कुली खान, अलीवर्दी खान और फिर सिराजुद्दौला। इन तीनों नवाबों ने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया था।
जब सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने, उन्होंने व्यापार का अधिकार देने के लिए कंपनी से नजराने मांगे, कंपनी को सिक्के डालने का अधिकार देने से भी मना कर दिया, कंपनी की बढ़ती किलेबंदी को रोक दिया और कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। उनका कहना था कि कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार की इजाजत देने से बंगाल की राजस्व वसूली कम होती जा रही है और बंगाल की ताकत कमजोर पड़ रही है। बंगाल के नवाब और कंपनी के बीच यह टकराव दिनों दिन बढ़ता गया और इसका अंजाम पलासी के युद्ध के रूप में सामने आया। पलासी का युद्ध 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। कंपनी सिराजुद्दौला की ताकत से काफी भयभीत थी और सिराजुद्दौला की जगह एक कठपुतली नवाब चाहती थी जो उनके इशारों पर काम करे। इसीलिए कंपनी ने यह प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से ही किसी को नवाब बना दिया जाए। सिराजुद्दौला ने नवाब बनते ही यह हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे, किलेबंदी रोके और बाकायदा राजस्व चुकाए। दोनों के बीच तनाव इतना बड़ा कि सिराजुद्दौला ने अपने 30,000 सिपाहियों के साथ कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया, कंपनी के गोदामों पर ताला डाल दिया और अंग्रेजों के हथियार छीन लिए। इसके साथ साथ अंग्रेजी जहाजों को भी घेरे में ले लिया। इसके बाद नवाब कंपनी के कोलकाता किले को जीतने के लिए चल पड़े। अब जैसे ही कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने सुनी, उन्होंने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया और अंत में 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। इस युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई, लेकिन इस हार का बड़ा कारण सेनापतियों में से एक सेनापति मीर जाफर था। मीर जाफर की सैनिक टुकड़ी ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने उसे अपने साथ मिला लिया था और उसे लालच दिया था कि वह सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को नवाब बना देंगे। क्या आप जानते हैं कि प्लासी का नाम किस तरह पड़ा? दरअसल इस जगह का असली नाम पलाशी था, जिसे अंग्रेजों ने बिगाड़कर प्लासी कर दिया। दरअसल यहाँ पर पाए जाने वाले सुंदर पलाश के फूलों के कारण ही इसे पलाशी कहा जाता था। इन सुंदर लाल फूलों से गुलाल बनाया जाता है जिसका होली पर इस्तेमाल होता है। क्या आप जानते हैं कि पलाश के और भी बहुत से गुण होते हैं? पलासी का युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि भारत में यह कंपनी की एक बड़ी जीत थी। इस युद्ध के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। लेकिन जल्द ही कंपनी को एहसास हो गया कि किसी और को राजा बनाकर बंगाल पर नियंत्रण करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि कठपुतली बने नवाब भी हमेशा इशारों पर नहीं चलते थे। यह एहसास उन्हें इसलिए हुआ क्योंकि मीर जाफर ने भी कंपनी का विरोध करना शुरू कर दिया था। अब कंपनी ने मीर कासिम को राजा बना दिया, परंतु बाद में मीर कासिम से भी परेशान रहने लगे और एक बार फिर से युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई। यह युद्ध 1764 में हुआ, जिसे बक्सर का युद्ध कहते हैं। बक्सर के युद्ध में मीर कासिम हार गया
और उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया। बक्सर की लड़ाई के बाद मीर जाफर को फिर से नवाब बनाया गया। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे, जिसे कंपनी अपने सैनिक खर्चों, व्यापारिक जरूरतों और अन्य खर्चों के लिए इस्तेमाल करती थी। 1765 अर्थात बक्सर की लड़ाई के लगभग 1 साल बाद मीर जाफर की मृत्यु हो गई। अब कंपनी को लगा कि उन्हें खुद ही नवाब बनकर बंगाल प्रांत में व्यापार बढ़ाना होगा। आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। दीवानी मिलने के बाद कंपनी को कई फायदे थे। कंपनी के पास अब सत्ता की ताकत थी। हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने के ख्वाब देखने लगा था। यहाँ तक कि कंपनी के अफसरों ने निजी तोहफे के तौर पर जमीन और पैसा से खूब संपत्ति बनाई। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने भारत में बेहिसाब दौलत जमा की थी। वह 1743 में इंग्लैंड से मद्रास आए थे और 1767 में जब वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद इंग्लैंड लौटे तो उनके पास लगभग 4,01,102 पौंड के बराबर की रकम थी। पौंड इंग्लैंड की मुद्रा को कहा जाता है। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि रॉबर्ट क्लाइव को कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए ही गवर्नर ने भेजा था, लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद ने उन्हें खुद भ्रष्टाचार के आरोप पर अपनी सफाई देने को कहा था। क्योंकि सरकार को इतनी दौलत देकर यह शक हो गया था कि वह कंपनी को फायदा देने के बजाय अपनी दौलत बटोरने में लग गए हैं। आपके विचार से क्या यह सही था? इसके अलावा कंपनी के सभी अफसरों की इच्छा भी यही रहती थी कि भारत में ठीक ठाक से दौलत कमाएं और अपने देश ब्रिटेन जाकर आराम की जिंदगी बसर करें। इस तरह 1765 में कंपनी को दीवानी मिलने के बाद कंपनी की यही सोच रही कि वह किसी न किसी तरह से अपने राज्य का फैलाव करे। वैसे इसकी शुरुआत उन्होंने 1764 की बक्सर की लड़ाई के बाद ही कर दी थी, जब उन्होंने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए थे। रेजिडेंट कंपनी के राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे और उनका काम होता था कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना। यह रेजिडेंट कंपनी को राज्यों की सारी खबर देते थे और धीरे धीरे कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के अंदरूनी मामलों में भी दखल देने लगे थे, जैसे कि अगला राजा कौन होगा, किसे पद पर बिठाया जाएगा इत्यादि। अब क्योंकि कंपनी किसी न किसी तरह से अपने राज्य का विस्तार करना चाहती थी, तो कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि थोप थी। सहायक संधि क्या थी? इस संधि के अनुसार जो भी रियासत या राजा इस संधि को स्वीकार करता था, उसे अपने राज्य में अपनी स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार नहीं था। उसे सहायक सेना रखनी होती थी जो उसके राज्य की सुरक्षा करती थी, और इस सहायक अंग्रेजी सेना के रखरखाव का सारा खर्चा राजा को चुकाना होता था। यदि राजा उस रकम को चुकाने में चूक जाता था तो जुर्माने के तौर पर वह इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। सहायक संधि को भारत में रिचर्ड वेलेजले ने थोपा था।
सहायक संधि के अंतर्गत अवध के नवाब से 1801 में उसका आधा इलाका ले लिया गया था, क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चूक गए थे। इस तरह से हैदराबाद के भी कई इलाके सहायक संधि के आधार पर छीन लिए गए थे। अब बारी है कुछ प्रश्नों के उत्तर जानने की, तो चलिए देखते हैं हम कितना जान पाए। व्यापारिक कंपनियां भारत क्यों आई थी? व्यापार करने के लिए, घूमने के लिए, अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए, भारत विजय करने के लिए? जी हाँ, व्यापारिक कंपनियां भारत में व्यापार करने के लिए आई थी। भारत में आने वाली सबसे पहली व्यापारिक कंपनी कौन सी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच कंपनी, डच कंपनी या पुर्तगाली कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी। व्यापारिक कंपनियों को भारत में किस चीज ने आकर्षित किया था? सूती कपड़े, मसाले, रेशम, ऊपर बताई गई सभी चीजों ने? सही उत्तर है ऊपर बताई गई सभी चीजों ने, अर्थात सूती कपड़ा, मसाले तथा रेशम। पलासी का युद्ध लड़ा गया था क्योंकि सिराजुद्दौला ने कंपनी को रियायतें और सुविधाएं देने से मना कर दिया था। कंपनी बंगाल का राज हथियाना चाहती थी। कंपनी को ब्रिटेन ने सिराजुद्दौला से युद्ध करने का हुक्म दिया था। सिराजुद्दौला और मीर कासिम की नहीं बनती थी। सोचो, इसका सही उत्तर है सिराजुद्दौला ने कंपनी को रियायतें और सुविधाएं देने से मना कर दिया था। चलिए अब जानने की कोशिश कीजिए कि कंपनी के सभी अफसर भारत से पैसा बटोर कर जाना चाहते थे, ताकि वह इंग्लैंड जाकर आराम की जिंदगी बसर कर सके। आपके विचार से क्या उनकी यह सोच ठीक थी? यह भी करके देखिए, यदि एक पौंड का मूल्य 79 रुपए है तो 401,102 पौंड का मूल्य भारतीय मुद्रा के अनुसार क्या होगा? तो आज अभी तक हमने बात की कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सबसे पहले कब आई, उन्होंने यहाँ पर अपना व्यापारिक केंद्र कहाँ खोला, बक्सर तथा पलासी का युद्ध क्यों हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी का अधिकार कैसे मिला, और दीवानी मिलने के बाद किस तरह से उन्होंने यहाँ के रियासतों तथा राज्यों पर सहायक संधि थोपी। आज के लिए बस इतना ही। इसी भाग को आगे लेकर हम दूसरी वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।